मैं तो कल से आई हूँ, कुत्ते तो हर वक्त घूम रहे हैं, रहना चाहिए इंसानों को, कुत्ते घूम रहे हैं। ये रखवाली कर रहे हैं, इन्हें फौजी बना दो, इन्हें फौज में भर्ती करो कुत्तों को, ये रखवाली करेंगे। गेंदगानी है देखा ना, चारों ओर को बदुआ ही बदुआ, कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, कुत्ते सब घूम रहे, अभी आपने देखा होगा कुत्ता घूम रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं रात में भी, रात में भी घूमते हैं। सबकी एक ही राह है, कागजों में ही सुविधा, धरातल पर कोई सुविधा नहीं है, केवल कागजों में सुविधा। डीएम साहब और योगी जी तक आप बात जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये केवल कागजों में सुविधा है, आप देख लीजिए धरातल में क्या स्थिति है मरीजों की, और कोई भी सुविधा नहीं है। ना कोई सुनाई करने वाला है यहाँ, ना कोई पूछता किसी को। सुबह को आते हैं 11 बजे, किसी को और को डॉक्टर साहब भी नहीं आते, और कोई दिखवा दे। अच्छा, जो यहाँ पे नर्स और सिस्टर है वो देखती है नहीं? ना सिस्टर विस्टर चली जाए आपने, वो भी गान वान आ रहे हैं, नु कहते हैं अभी आएंगे, बैठ जाओ वहीं जाकर। कुत्ता देखो, हाँ क्या कह रहे हैं? ये कुत्ते ऐसे ही बैठे रहते हैं, रात को भी आ गया। ये कह रहे हैं कि देखे कुत्ते मरीजों के नीचे, कुत्ते आप ये देखें जरा करीब से दिखा दें, ये मरीज की चारपाई के नीचे ये कुत्ता आनंद लेता हुआ और बहुत ही इत्मीनान से सोता हुआ। और यहाँ पर जिला अस्पताल बाबू बनासीदास चिकित्सालय के अंदर जो है यहाँ का प्रशासन और वो सब बेखबर है और लापरवाह है। इस कुत्ते को तो भगाएं यहाँ से, ज़रा भगाइए इसे, भगाइए आप, भगाइए भगाइए इस कुत्ते को, भगाएं। अपने आप में अति निंदनीय, डीएम साहब एक बार फिर औचक निरीक्षण करें और इस इमरजेंसी वार्ड में आए आप। ये कुत्ता बाहर निकालिए, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, और सिस्टर ये कुत्ता बाहर निकलवाइए स्टाफ से। बताइए कुत्ते घूम रहे हैं योगी सरकार में होते हुए।